शाला प्रदर्शन में असफल होने के कारण और समाधान। दूसरों पर बालक की अधिक निर्भरता उसको असफल बनाती है तथा आत्मनिर्भरता उसे सफल बनाती है। असफलता का भय उसको प्रत्येक कार्य में असफल बनाता है तथा निर्भरता आत्मविश्वास बालक को विद्यालय प्रदर्शन में सफल बनाता है। बौद्धिक स्तर में अंतर होने पर बालकों को उसके बौद्धिक स्तर के अनुरूप प्राप्त विद्यालय अवस्था सफल बनाती है, प्रतिकूल अवस्था बालक को असफल बना देती है। बालक ने अपने घर परिवार के अंतर्गत संकोच भय का वातावरण देखता है तो वह विद्यालय में असफलता का प्रदर्शन करेगा। यदि विद्यालय का वातावरण सर्वोत्तम होगा तो बालक का प्रदर्शन सर्वोत्तम रूप होगा। बालक की रुचि अवधान क्षमता प्रभावी रूप में कार्य करती है तो बालक का विद्यालय प्रदर्शन सर्वोत्तम रूप में होगा, अन्यथा बालक असफल माना जाएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का स्वरूप बालक की रुचि योग्यता अनुरूप नहीं होती है तो बालक विद्यालय प्रदर्शन में असफल होगा। बालक की रुचि और योग्यता के अनुरूप पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम सहभागी विभाग का संबंध न होना बालक के विद्यालय प्रदर्शन को असफल बनाना तथा अनुरूप पाठ्यक्रम सहभागी प्रक्रियाएं न उत्पन्न होना बालक के विद्यालय प्रदर्शन को असफल बनाएगा। विद्यालय में छात्रों की व्यवस्था शिक्षण सूत्रों के आधार पर संपन्न नहीं होती है तो छात्रों का विद्यालय प्रदर्शन असफल होता है। यदि शिक्षण सूत्रों के आधार पर संपन्न होती है तो बालक का प्रदर्शन सफल दृष्टिगोचर होता है। आत्मविश्वास का अभाव बालक के विद्यालय प्रदर्शन को असफल बनाता है। आत्मविश्वास का प्रभाव छात्रों के विद्यालय प्रदर्शन को सफल बनाता है। छात्र में क्रियाशीलता का अभाव भी बालक को निरस और अक्रियशीलता बनाता है जिससे बालक असफल हो जाता है, जबकि बालकों की क्रियाशीलता विद्यालय प्रदर्शन में उसका सफल बनाती है। बालक को उसकी गतिविधियों के लिए पृष्ठपोषण प्रदान नहीं किया जाता है तो बालक विद्यालय प्रदर्शन में असफल होता है। शिक्षक व विद्यालय द्वारा छात्रों को उचित पृष्ठपोषण प्रदान किया जाता है तो छात्र विद्यालय असफल होते हैं। छात्रों को अधिक सहायता उपलब्ध कराने पर छात्र में सहायता प्रमाण की आदतें विकसित होती हैं जिससे वह असफल हो जाता है और उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।